हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर एट पढ़ेंगे। चैप्टर एट हमारा है बॉडी मूवमेंट्स, मीन शरीर में होने वाली गतियाँ। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में, अपनी बॉडी में होने वाली गतियों का ऑब्जर्वेशन कीजिए, प्रेक्षण कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। आप देखेंगे कि आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम भी अपने बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स डैट हैपन इन योर बॉडी। ऐसी बहुत सी गतियाँ हैं जो आपकी बॉडी में होती हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप अपनी नोटबुक पे लिखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने फ्रेंड को देखते हैं तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। उपयुक्त सभी एग्जाम्पल में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर, टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद आप विद्यालय के मैदान में जाते हैं या स्कूल के बाद आप अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। यू वॉक, रन, स्कीप, जम्प एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। आइए हम लोग क्या करते हैं, टेबल 8.1 को भरते हुए ये देखते हैं कि कैसे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, कैसे एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि बूझो को क्या वंडर हो रहा है। बूझो वंडर अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वो जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में बूझो जानना चाहता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि टेबल 8.1 को फिल करते हुए जानेंगे कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको एनिमल्स 3 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट में एनिमल्स है, सेकेंड में बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेकेंड में हाउ डज द एनिमल मूव। तो फर्स्ट एनिमल कौन सा लिया गया है, काउ। काउ अपने बॉडी के किस पार्ट को चलने के लिए यूज़ करता है, लेग, ठीक है। और वो कैसे गति करता है, तो वो वॉक करके, चल कर गति करता है। ह्यूमन, ह्यूमन अपने बॉडी के किस पार्ट को यूज़ करता है मूव के लिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेग्स लिखेंगे। और ह्यूमन भी क्या करता है, ह्यूमन भी वॉक करता है। क्लियर? स्नैक, स्नैक अपने होल बॉडी को मूवमेंट के लिए यूज़ करता है और वो स्लीथर करता है, मीन्स रेंग कर जाता है। बर्ड, चिड़िया, चिड़िया किसका यूज़ करती हैं मूवमेंट के लिए, तो ये अपने विंग्स का यूज़ करती हैं, ये अपने पंख का यूज़ करती हैं। क्लियर? और ये क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, मीन्स ये उड़ती हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स किसका यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स के पास भी 6 लेग्स होते हैं, तो ये भी अपने लेग्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? और ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, कुछ स्लीदर करते हैं। फिश, फिश किसका यूज़ करती है, फिश जो है वो फिन्स का यूज़ करती है, ठीक है, और टेल्स का यूज़ करती है मूवमेंट के लिए। और ये क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है, ठीक है। फिश क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, दीज आर वनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे डैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है, क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है।
ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टडी करने के लिए, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव शरीर और इसकी गतियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन कैसे मूव करते हैं, इनमें किस तरह से मूवमेंट होता है। क्लियर, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बीइंग विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वराइटीज ऑफ मूवमेंट इन द एनिमल। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए मिलता है, ठीक है, करने का आनंद आता है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, आप अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते वक्त अपने हाथ और पैर को किस तरह से घुमाते हैं? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। क्लियर, बाउल एंड इमेजनरी बॉल एट वन इमेजनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, डिड यू रोटेट इट एट द सोल्जर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए, आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं, क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार में घुमाते हैं, जिस तरह से आप बॉलिंग करते हैं ना वही आपको इमेजिन करना है। क्या आपका कंधा भी गति करता है, जब आप बॉलिंग कर रहे हो बॉल फेंक रहे हो तो उस टाइम पे क्या आपका कंधा भी गति कर रहा है? पीठ के बल लेट जाइए, दूसरा क्या है, पीठ के बल आप लोग लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, ठीक है, अपने पैर को आप क्या करेंगे कूल्हे के चारों ओर घुमाएंगे। उसके बाद अपनी भुजा को कुहनी से ऊपर नीचे कीजिए, अपनी भुजा को क्या करना है कुहनी से ऊपर नीचे करना है। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे से छुइए, ठीक है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग यूज किया, हाथों को सीधा तान कर सीधा खींच कर नीचे की ओर आप झुकने का प्रयास कीजिए, आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2, आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को घुमाने की कोशिश करिए और उसको टेबल 8.2 में क्या करेंगे आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा क्या गया है कि देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या दिया गया है, बॉडी पार्ट, आपको बॉडी पार्ट के नेम दिए गए हैं। सेकंड को मैं आपको बताना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट पूरी तरह से घूमता है, कौन सा थोड़ा बहुत घूमता है, कौन सा पार्ट झुकता है, कौन सा पार्ट उठता है और कौन सा पार्ट बिल्कुल गति नहीं करता, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इस कॉलम को अच्छे से फील कर पाएंगे। क्लियर, वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन सम डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। बोल रहा है कि क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं, क्यों हमारे बॉडी का कोई पार्ट पूरा मूव कर जाता है, क्यों कुछ पार्ट थोड़ा मूव करता है और क्यों कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन क्या करता है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। एक पैमाने को आप अपने हाथ पर जैसे कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है उस तरह से अपने नी के साथ आप उसको बांधेंगे और अपने मित्र से वो जो पैमाना है वो जो स्केल है उसको क्या कहेंगे, हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहेंगे। अब आप क्या करेंगे कि अपने कोहनी को यहाँ से मोड़ने का प्रयास कीजिए, क्या जब आपने अपने हाथ पे स्केल को बांध दिया है तो आप अपने हाथ को मोड़ पाते हो, नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। क्लियर, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड आर रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर लाइक एल्बो शोल्जर और नेक,
दीज प्लेस आर कॉल्ड ज्वाइंट। क्या आपने ध्यान दिया कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। हम अपने बॉडी को वहीं से घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक। जैसे हमारा हैंड जो होता है वो क्या होता है, नी के पास जुड़ा होता है, तो हम यहाँ से अपने हैंड को घुमा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हैंड को, जैसे ये हमारा हैंड, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, नहीं घुमा पाते। जहाँ ये नी के पास जुड़ा रहता है वहीं से हम इसको क्या करते हैं, घुमा पाते हैं। तो इस प्लेस को जहाँ पे कि दो बोन्स जुड़े रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट्स इज कॉल्ड ज्वाइंट्स। वो स्थान जहाँ पे दो बोन्स, दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, मिलती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वाइंट्स। क्लियर। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स। क्या आप कुछ ज्वाइंट्स के नाम बता सकते हैं। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। क्या अगर हमारी बॉडी में कोई भी ज्वाइंट्स नहीं होता, कोई भी संधि नहीं होती, तो हमारी बॉडी मूव कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी वहीं से मूव करती है जहाँ पे दो बोन्स मीट होते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट्स पाया जाता है। व्हाट एग्जैक्टली ज्वाइंट टुगेदर एट डी ज्वाइंट्स। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है। क्लियर। प्लेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोस। आप अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर को, चेहरे को, गर्दन को, नाक को, कान को, कंधे के पीछे के भाग को, हाथ को, पैर को, हाथ की उंगलियों को और पैर की उंगलियों को दबाइए। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। आपको जो अनुभव हो रहा है कि आपकी उंगलियां किसी हार्ड चीज़ को दबा रही हैं, किसी कठोर चीज़ को दबा रही हैं, वो कठोर चीज़ क्या है, वो कठोर चीज़ है बोन्स, मीन्स हड्डियाँ, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो मेनी बोन्स। इस एक्टिविटी को आप कुछ दूसरे पार्ट से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। सो मेनी बोन्स। बोन्स कैन नॉट बी बेंट्स। हड्डियों को आप मोड़ नहीं सकते, ठीक है, हड्डियों को आप मोड़ नहीं सकते। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो। तो हम अपने कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फॉर द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। We can bend or move our body only at those points where bones meet. Clear? देखिए, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपने कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती, ठीक है। हाथ के ऊपरी सिरे से लेकर कलाई तक एक लंबा बोन नहीं होता। वास्तव में अनेक बोन्स कोहनी तक जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक प्रकार के बोन्स, अनेक प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। क्लियर। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए अब हम लोग उनके बारे में जानें। क्लियर। देखिए, हम अपने बॉडी को वहीं से मोड़ सकते हैं जहाँ पे दो बोन्स क्या होती हैं, मिलती हैं। जहाँ पे दो बोन्स आके एक दूसरे से जुड़ेंगी वहीं से हमारा शरीर मुड़ सकता है और कहीं से भी नहीं। तो हमारे शरीर में बोन्स जो है वो जिस प्लेस पे मिले होते हैं, जिस प्रकार से मिले होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बाल एंड सॉक जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जॉइंट्स हमारा है बाल एंड सॉक जॉइंट्स, मीन्स कंदुक खल्लिका संधि। इसको हिंदी पे नहीं जाना है, इंग्लिश में ही हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या होगा, बॉल एंड सॉक जॉइंट्स। अब इसको हम लोग एक्टिविटी टू से समझेंगे। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। कागज़ की एक पट्टी को आप बेलन के रूप में मोड़िए।
मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर आर प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इन टू एज सोन इन फिगर 8.2। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। आप रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुराने गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालेंगे, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है। ठीक है, अब आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। गेंद को एक छोटी टोकरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? नाउ इमेजिन डैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड बॉल इज इट्स एंड। अब आप कल्पना कीजिए कि कागज का जो बेलन है वो आपका हाथ है और गेंद क्या है, वो इसका एक सिरा है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द सोल्जर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट्स। ठीक है, कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे कि आपका हाथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी कैविटी में धंसा हुआ है। एक अस्थि जो है उसका गेंद वाला जो गोल हिस्सा होता है वो दूसरी अस्थि में जो कटोरी की तरह बना रहता है, इसमें ये क्या होता है, धंसा रहता है। इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। हमारे बॉडी में जहाँ पे भी बाल एंड सॉफ्ट जॉइंट्स पाया जाता है, वहाँ से पूरा हमारी बॉडी क्या करती है, फ्रीली मूवमेंट करती है। मीन्स सभी दिशाओं में घूम सकती है। जैसे आपका हाथ जहाँ पे कंधे से जुड़ा रहता है, जहाँ पे सोल्जर से जुड़ा रहता है, वहाँ पे बॉल एंड सॉफ्ट जॉइंट्स पाई जाती है। ठीक है, बॉल एंड सॉफ्ट जॉइंट्स पाई जाती है। और आप देखते हैं कि आप अपने हाथ को सभी दिशाओं में फ्रीली घुमा सकते हैं, ये चारों दिशाओं में आराम से घूम सकती है। क्लियर। कैन यू नेम एन अदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप इन गतियों के उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। देखिए ये है बाल एंड सॉक जॉइंट्स का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाइवोटल जॉइंट्स। पाइवोटल जॉइंट्स में क्या होता है, जो जॉइंट्स वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट्स। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट्स बोलते हैं। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमाया जा सकता है। ट्राई दीज मूवमेंट, इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति के किस प्रकार भिन्न है, इसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, लेकिन पाइवोटल जॉइंट्स में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। क्लियर। तो हमारे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं, हम लोग पाइवोटल जॉइंट्स बोलते हैं। ये है पाइवोटल जॉइंट्स, जहाँ पे कि क्या है, गर्दन और सिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, बाल एंड सॉक जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। बाल एंड सॉक जॉइंट्स जो है वो कहाँ पे पाए जाती है, हैंड्स और सोल्जर बोन्स के पास पाए जाती है। पाइवोटल जॉइंट्स नेक और हेड के पास पाए जाती है। नेक्स्ट जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हिंजे जॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए हिंजे क्या होता है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद करिए। ऑब्जर्व द हिंजे ऑफ द डोर केयरफुल्ली। आप देखेंगे कि आपके दरवाजे को एक हिंज की तरह स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से पकड़ा रहता है। ठीक है, इसी से आपका दो दरवाज़ा जो होता है वो वॉल से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंजे बोलते हैं। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है और बंद होने देता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए एक्टिविटी थ्री। एक्टिविटी थ्री में लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंजे।
आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन बनाइए, जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में होल करके एक छोटी सी पेंसिल लगाइए, ठीक है, एक छोटी सी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि ये क्या हो, आधा बेलन बन जाए, क्लियर, ये सिलेंडर की तरह बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए एक बॉल एंड सॉफ्ट की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने एक्टिविटी 1 में कोहनी में इस प्रकार की गति को देखा था। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, फिगर को बनाना है, ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपको क्या करना है, फिगर को बनाना है, उसके बाद उसमें होने वाले मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन करना है, क्लियर। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंजे ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंजे अलाउ मूवमेंट्स, ठीक है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है, क्लियर। जिस तरह से बॉल एंड सॉक में चारों तरफ में सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो हिंज जॉइंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक दिशा में मूवमेंट होता है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप किसी ऐसी संधि का उदाहरण सोच सकते हैं, तो आपकी नी, घुटने और एल्बो, कोहनी, ठीक है, घुटने और कोहनी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, किस प्रकार का जॉइंट्स पाया जाता है, हिंज जॉइंट्स पाया जाता है, जिससे कि हमारी जो कोहनी होती है और जो घुटना होता है वो सिर्फ आगे और पीछे की तरफ ही मूवमेंट कर पाता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाता। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।